हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ओजीवा के एंटी एक्ने फेस वॉश के बारे में। एंटी एक्ने फेस वॉश एक अच्छा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और अच्छा है या नहीं आप उसकी पहचान उसके इंग्रेडिएंट से कर सकते हैं। और एंटी एक्ने फेस वॉश है तो जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है, एक्ने प्रोन स्किन है, एक्टिव एक्ने है, ऑयली स्किन है, ये सारे स्किन टाइप्स के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यू लॉन्च है और एंटी एक्ने फेस वॉश है तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन से जो भी एक्ने हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स से फाइट करने में हेल्प करती हैं। और जैसे कि टी ट्री ऑयल हुआ, सिनेमन हुआ, एलोवेरा हुआ, नीम हुआ, ये अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और चैनल पे आप जाके देखिए, वीडियो चेक कीजिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो पम्प बॉटल है और 100 ml का इसका पैक आता है, एक ही साइज़ है। प्राइस की बात करूँ तो 449 rupees इसका प्राइस है। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इसमें ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि एक्ने से फाइट करने में हेल्प करती हैं। एक्ने हुए, पिंपल हुए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम को दूर करती है। जो पोर्स होते हैं उनको डीपली क्लेंस करती है, जैसे कि स्किन हेल्दी बने, स्किन ग्लोइंग हो और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। और स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करती है जिससे कि स्किन हेल्दी बन सके। तो अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसमें एक्वा मतलब वाटर, सेपी कंट्रोल 85 ये मॉइस्चर बैलेंस करके रखता है, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट, ये सारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्फेक्शंस, एक्ने, स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। बेरगामोट एसेंशियल ऑयल, ये भी स्किन से स्कार की प्रॉब्लम को दूर करता है। टी ट्री ऑयल पता ही है, एक्ने को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डी पैंथेनॉल जो है ये सन बर्न ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को दूर करेगा। ग्लिसरिन मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। और पॉलीकॉर्टेनियम 7 ये सेफ प्रोडक्ट है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। सोडियम लॉरेल सार्कोसिनेट जो है उसमें क्लेंजिंग एजेंट है। कोकामेटो प्रोपिल B10 ये भी बहुत सारे स्किन कंडीशन को दूर करता है और स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो पॉलीग्लूटामिक है ये एजिंग की प्रॉब्लम को कम करेगा, सैगिंग ड्राइनेस की प्रॉब्लम को कम करता है। PG40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। ट्राइथेलोमाइन किसी भी प्रोडक्ट के पीएच लेवल को इंक्रीज करता है। सोडियम लेव्यूलिनेट 100% नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, स्टार्च से बना होता है। और जो पोटेशियम सॉल्फेट है ये भी माइल्ड प्रिजर्वेटिव है और प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो फेस वॉश है मिनरल ऑयल फ्री है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं किया गया है, नॉन कॉमेटोजेनिक है, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, वीगन प्रोडक्ट है, क्लिनिकली टेस्टेड है, क्रुअल्टी फ्री है, डाई फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं जो कि स्किन को हार्म पहुँचाएँ। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। सफिशियंट अमाउंट इसका ले लीजिए, बहुत अच्छे से लेदर करेगा। आप अपने स्किन पे जेंटली इसको मसाज कीजिए सर्कुलर मोशन में और फिर आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लीजिए। अच्छे रिजल्ट्स के लिए 2 से 3 बार यूज़ करें और इसके बाद टोनर और फेस वॉश मॉइस्चराइजर लगाना लगे कि नॉन कॉमेडोजेनिक है और हार्मफुल केमिकल्स वगैरह भी यूज़ नहीं किए गए हैं। जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैंने सर्च करके देखा तो सारे सेफ हैं स्किन के लिए और बिल्कुल आप इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करने में। तो बिल्कुल एक बार यूज़ करके देखना और कैसे रिजल्ट्स मिले आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।